नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। इंसानियत के दुश्मनों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जब पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है तो वहीं इस संकट की घड़ी में भी कुछ जाहिल लोग बाज नहीं आ रहे हैं और कोरोना को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। आपने इंसानियत को शर्मसार करने वाली कई वीडियो देखे होंगे जिसमें तबलीगी जमात समेत उनके समर्थकों ने कोरोना योद्धाओं की नाक में दम कर दिया है। हम आपको बीते दिनों की 3 घटनाएं बताते हैं जिससे आप इनके कोरोना आतंक और इनकी जहालत का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरठ की, जहां हॉटस्पॉट सील करने गए मजिस्ट्रेट और दरोगा को ही पत्थर मारकर घायल कर दिया गया। मेरठ वही इलाका है जहां महाराष्ट्र से 24 जमातियों के आने की खबर है। इसी कड़ी में मेरठ में पुलिस ने 11 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं जिन्हें सील किया जाना है। इन 11 कोरोना हॉटस्पॉट में 3 मस्जिद वाले इलाके हैं। ये वही मस्जिद वाले इलाके हैं जहां पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की जा रही है। जी हां, जैसे मेरठ के दिल्लीगेट थाना स्थित कोरोना वायरस संक्रमण हॉटस्पॉट जली कोठी क्षेत्र में पुलिस हॉटस्पॉट सील करने पहुंची तो वहां स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। जाहिलों की पत्थरबाजी के चलते सिटी मजिस्ट्रेट और दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ज्यादा हड़कंप मच गया कि लोगों को खदेड़ने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। सिटी मजिस्ट्रेट समेत घायल पुलिस वालों को काफी चोटें आई हैं। बता दें कि जिस इलाके में पत्थरबाजी की गई है ये वही इलाका है जहां 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वही इसी इलाके की दरीवाला मस्जिद में 3 जमाती रुके हुए थे। अब कश्मीर की बात करते हैं, जहां सारी हदों को पार करते हुए मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में बातुरा गांव के शेखपुरा इलाके में एक पूरी मेडिकल टीम को ही भीड़ ने बंधक बना लिया। जी हां, जानकारी के मुताबिक उप जिला अस्पताल चदूरा की मेडिकल टीम एक कोरोना संदिग्ध की स्क्रीनिंग के लिए बाथुरा गांव गई थी, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने टीम को घर के अंदर बंधक बना लिया। अधिकारी ने बताया कि जैसे मेडिकल टीम ने ट्रेवल हिस्ट्री को लेकर पूछताछ की तो संदिग्ध के परिवार के सदस्यों ने उन्हें घर में ही बंधक बना लिया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मेडिकल टीम को वहां से सुरक्षित निकाला। तीसरी घटना कानपुर की है जिसमें निजता की सारी हदों को पार ही कर दिया गया। इस खबर को सुनकर आपका भी खून खोल जाएगा। आपने तबलीगी जमात की हरकतों के बारे में तो सुना ही होगा कि किस तरह इन जाहिलों ने मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की, गाली गलौज करने के साथ साथ नर्सों के साथ अभद्रता की। इसी कड़ी में अब कानपुर से भी ऐसी खबर सामने आई है। कानपुर का चमनगंज कोरोना वायरस संक्रमण का हॉटस्पॉट है। इस इलाके में संदिग्धों की जांच करने गई मेडिकल टीम की नर्सों से छेड़छाड़ करने के साथ अश्लील हरकतों को अंजाम दिया गया और गाली गलौच भी की गई। घटना शनिवार दोपहर की है। चमनगंज निवासी के आरोपी कई दिनों से नर्सों को परेशान कर रहे थे। नर्सों ने इस मामले की शिकायत करने के साथ ऐसे माहौल में सर्वे न करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही उन्होंने सीएमओ से सुरक्षा की मांग भी की। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कलीम, अजमल अंसारी, बजी अहमद और सलीम को गिरफ्तार भी कर लिया और इन तीनों पर छेड़खानी, अश्लीलता, जान से मारने की धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि ये तीनों घटनाएं जो कि मेरठ, कश्मीर और कानपुर में हुई हैं, ये 11 अप्रैल यानी कि शनिवार की हैं। इन तीनों घटनाओं पर ही एक्शन लिया जा चुका है। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब ऐसा हुआ हो। देश में कोरोना फैलाने वाले जमातियों और इनके समर्थकों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इनकी हरकतों से तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने पूरी मानव जाति को संकट में डालने की कसम खा रखी है, जिसके लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनकी जालियत हरकत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।